सो हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है टाटा टियागो XT वेरिएंट, जो कि कहलाता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टियागो का। इसमें ज़रूरत के लगभग सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, और फ्रंट लुक से पहले हम चाबी की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की इसमें हमें चाबी देखने को मिलती है। यहाँ से आप जो है गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, यहाँ से जो है अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ इसको तो जब प्रेस करेंगे हम तो गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो कुछ इस तरह छोटे वाली जो लाइट है पार्किंग लाइट वो जल जाती हैं। तो एक रिमोट की है आपके पास, फ्लिप रिमोट की इस तरह से, और जो दूसरी चाबी आपको मिलती है वो आपको इस तरह की जो है नॉर्मल चाबी आपको देखने को मिलती है। इसमें टाटा का लोगो यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी आपको जो है टाटा का लोगो यहाँ पीछे छोटा सा दिया हुआ है, जो कि भी इस पर छुपा हुआ है। तो फ्रंट लुक की अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको जो है टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, क्रोम में दिया हुआ है, अंदर जो है पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, और ट्राई एरो शेप में जो ये जो है ग्रिल इसमें दी हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। पियानो ब्लैक में ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ना कि वो जो मैट ब्लैक आता है उसके अंदर। पियानो ब्लैक से थोड़ी सी प्रीमियमनेस आ जाती है, और उससे के नीचे जो है ये क्रोम लाइन दी हुई है, जो कि रन करती है हेडलाइट के नीचे से, यहाँ से रन करती है ये, और ये पूरा जो है फ्रंट से होती हुई दूसरी तरफ तक जाती है। और अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प इसमें आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं, और इंडिकेटर्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये जो पियानो ब्लैक फिनिश की एक लाइन जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट बम्पर की बात करें हम तो नीचे जो है आपको बॉडी कलर ही मिलता है। तो XT मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में ये लाइन दी हुई है, और फॉग लैम्प आप बाद में सीरीज़ में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर मुझे प्राइसिंग पता होगी तो मैं आपको पता करके बता दूंगा फॉग लैम्प की। तो फ्रंट से ऑब्वियसली कुछ इस तरह का लुक आता है इस गाड़ी का, और जो नई डिज़ाइन है इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन, इसमें काफ़ी लुकिंग में मतलब अच्छी लगती है गाड़ी, स्टाइलिश लगती है। और बोनेट पर भी हैं जो है यहाँ पर दो लाइन्स हैं इस तरह की, जो है दो लाइन्स दी हुई हैं, तो इससे लुक थोड़ा सा स्टाइलिंग अग्रेशन गाड़ी में एक कॉम्बिनेशन आ जाता है स्टाइलिंग का और सेफ्टी का। ऑब्वियसली अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इस सेगमेंट की ये सबसे सेफ कार है, जो कि 4 स्टार लेकर आई है। तो अगर हम साइड से नज़र डालें तो सबसे पहले देखते हैं हम टायर्स को। तो टायर्स की बात कर ली जाए तो इसमें हमें गुडियर के टायर्स मिल जाते हैं, और हमें व्हील साइज़ मिलता है 14 इंचेस का। अगर हम टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें 15 इंचेस के आपको डायमंड का अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और इसमें आपको 175/65 आर 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। आपको जो है व्हील कवर ये जो दिया हुआ है, ये व्हील जो है कवर्स के साथ आते हैं, और यहाँ पर जो है आपको टाटा का लोगो इसमें दिया हुआ है। तो ORVM की अगर हम बात करें तो आपको ORVM पर जो है इंडिकेटर यहाँ मिल जाते हैं, और ये बॉडी कलर जो है ORVM है, और देख लीजिए लॉक करने पर भी ये ब्लिंक होते हैं, और ये आपको मैनुअली जो है आपको ओपन और क्लोज करना पड़ता है। किसी भी तरह के आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं, RXT और RXZ में भी नहीं मिलते हैं। तो बॉडी कलर ही जो है आपको बी पिलर भी दिया हुआ है, ए पिलर भी जो है बॉडी कलर में है, और बाकी जो है वो भी सब बॉडी कलर है सारा का सारा, कोई ब्लैक एलिमेंट जो है पिलर्स में यूज़ नहीं किया गया है। एंटीना की हम बात करें तो एंटीना आपको इसमें शार्क फिन नहीं मिलता है, नॉर्मल एंटीना आपको दिया हुआ है। साइड से जो है कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें रियर लुक की गाड़ी के, तो रियर लुक कुछ ऐसा है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आप तो यहाँ जो है बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है, और नीचे जो है टियागो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको जो है इस बटन को दबा के बूट नहीं खुलता है, तो आपको चाबी लगा के जो है बूट खोलना पड़ता है। बूट खोल के हम आपको दिखाएंगे, पहले कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको हाई स्टॉप लैंप अवेलेबल है, और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि लुक को काफ़ी एनहेंस कर रहा है गाड़ी के। और वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है, क्योंकि टाटा की सारी गाड़ियों में जो है ये इस तरह का स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें टेल लाइट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमें टेल लाइट देखने को मिलती है, ये इंडिकेटर है, ये रिवर्स के लिए दिया हुआ है। तो टेल लाइट में जो है कुछ हनीकॉम डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको टिगोर में भी देखने को मिलता है। टिगोर की जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में, इतनी खूबसूरत जो है टियागो की नहीं है, बट जो है ये भी काफ़ी दिखने में इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, इसमें डिज़ाइन एलिमेंट भी आपको मिल जाता है। तो रियर में हम बात करें और, तो
आपको यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, दो अल्ट्रासोनिक आपको पावर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। किसी भी तरह का कैमरा आपको इसमें नहीं मिलता है, कैमरे के लिए आपको एक्सजेड प्लस में जाना होगा। रियर बम्पर कुछ इस तरह का नज़र आता है, नीचे आपको जो है एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। तो बूट की हम बात कर लेते हैं, बूट एक तो अंदर से आप खोल सकते हैं और खोल सकते हैं आप उसको, चाबी से। तो उसको खोल के देखते हैं किस तरह की स्पेस है। आपको उसमें पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है, बाद में आप लगवा सकते हैं। तो कुछ 242 लीटर यानी कि 242 लीटर्स का जो है आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है इसमें, जो कि वेल शेप्ड है। और यहाँ पर जो है आपको कुछ लगेज हुक भी दिए हुए हैं जो कि 3 kg के हैं, दो मिलते हैं आपको, 3 kg इधर 3 kg इधर की तरफ। और सीट्स भी जो हैं आप फोल्ड कर सकते हो यहाँ से, तो पीछे की सीट्स जो हैं कुछ इस तरह आप फोल्ड कर सकते हो, ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, कुछ टच हो रहा है इस वजह से शायद नहीं हो रही है। तो बूट स्पेस जो है एनफ है एक इस तरह के सेगमेंट की गाड़ी के लिए। 242 लीटर यानी कि 242 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ये पकड़ने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से पकड़ के आप जो है बूट को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लेते हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपको पीछे की स्पेस बताऊंगा। तो मेरी हाइट मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस बता देता हूँ, 5'8" है और कुछ इस पोजीशन में, और रिक्लाइन एंगल भी ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पीछे कैसा स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो चलते हैं पीछे की सीट की तरफ। और इसका जो डोर है ऑब्वियसली 90 डिग्री नहीं ओपन होता है अल्ट्रोस की तरह, बट जो अंदर जाना और बाहर आना जो है इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आराम से आप बैठते हो। तो मैं आपको रियर सीट पर, अगर हम इसके हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और नी रूम की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा जो है नी रूम हमें मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पास आके दिखा देता हूँ, आपको वहाँ से नहीं दिख रहा होगा शायद तक। तो अगर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो हेडरूम आपको एनफ मिल जाता है, इतना मुझे जो है हेडरूम मिल रहा है। और नी रूम की अगर हम बात करें तो आपको जो है इतना ज़्यादा आपको जो है नी रूम मिलता है। और नीचे जो है मैं अपने पैर जो है आराम से आप यहाँ फैला सकता हूँ और आराम से बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट जो है 5'8" है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जब मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस रियर सीट पर मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पैर जो है फैला के बैठा हूँ। थर्ड साउंड सुनोगे, थर्ड साउंड प्यारा थर्ड साउंड है यार। तो अगर हम नी रूम की बारे में बात करें तो नी रूम जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यार, इतना ज़्यादा आपको नी रूम मिल जाता है, मतलब मेरा तो पूरा हाथ इसमें आराम से आ रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, यहाँ से आप देखिए जब मैं पैर आगे फैला के बैठता हूँ वहाँ पर तो काफ़ी सही मिल रहा है मुझे, यहाँ तक जो है अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ इसको फ्लोर पर आप जो है पैर रख के बैठते हैं तो भी जो है मुझे थाई सपोर्ट कहीं सही मिल रहा है। सीट्स भी जो हैं कंफर्टेबल है, सीट में जो है ट्रायरो शेप का डिज़ाइन इस आपको देखने को मिल जाएगा। जो रियर हेडरेस्ट हैं वो आपको जो है ऑब्वियसली इसमें किसी भी मॉडल में आपको जो है एडजस्टेबल नहीं आते हैं। सीट का जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी सही दिया हुआ है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में ट्रायरो शेप में। और ये सारी सीट में जो है ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। और फीचर्स की हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पर जो है ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है जो कि सॉफ्ट है, मतलब ऐसा यहीं लटके हुए नहीं रहते हैं, वापस से ऊपर चले जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। जो लटके रहते हैं वो थोड़े ऐसे अजीब से लगते हैं। तो इनसाइड डोर ओपनर की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसे आप अनलॉक कर सकते हैं और फिर यहाँ से ओपन करके एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है, यहाँ जो है आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ जो है आपको एक लैंप देखने को मिल जाता है, मतलब पूरी गाड़ी में जो है ये एक ही लैंप है बीच में दिया हुआ है जो कि। और यहाँ पर जो है आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर चार्जर नहीं है इसमें अवेलेबल। यहाँ थोड़ा सा आपको आगे जाके हम बात करेंगे क्या है। सीट आपको यहाँ से स्कूप की हुई है और इसमें किसी तरह का जो है मैगजीन होल्डर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको हाथ रखने के लिए जगह दी हुई है, यहाँ जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक है, किसी भी तरह का फैब्रिक इसमें यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हैं आप। और ये जो है पावर विंडो का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है रियर सीट पर। ये जो फीचर है ना ये यार टिगोर में हम मिस करते हैं, हम जो जितने भी टिगोर ओनर्स हैं वो ऐसे मिस करते हैं, जो कि होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम ड्राइवर साइड के बारे में। तो ड्राइवर डोर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ से आप सारे डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और ये इनसाइड डोर ओपनर आपको ब्लैक में दिखने को मिल जाता है।
तो ड्राइवर साइड जो है आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप जो है चाहे विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, मतलब पीछे से कोई भी जो है विंडोज़ को रोल डाउन या रोल अप नहीं कर पाएगा, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। तो और जो पावर ड्राइवर साइड की जो विंडोज़ है पावर विंडो, वो जो है ऑटो डाउन भी नहीं है और ऑटो अप भी नहीं है। और यहाँ से जो है आप इसको ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बोनट विजिबल नहीं है इस गाड़ी का, ऑब्वियसली इस सेगमेंट की गाड़ियों के बोनट जो विजिबल नहीं होते हैं, SUV सेगमेंट नहीं है ये। तो दोस्तों हम MID की अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरह की MID देखने को मिलती है। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इधर आपको जो है ट्रिप से रिलेटेड डिटेल मिलती हैं, ट्रिप और आपको ऑडोमीटर भी यहीं पे मिलेगा। ट्रिप है, ट्रिप बी है और ऑडोमीटर आपको यहाँ शो करेगा। और यहाँ पे जो है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह एवरेज वगैरह शो करेगा, तो कितना किलोमीटर आपको चल सकते हैं इस फ्यूल में वो भी आपको यहाँ दिखाता रहेगा। और फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ शो होगा और टाइम जो है आपको यहाँ शो होने वाला है। और यहाँ पर जो है डिजिटली आपको स्पीड शो होने वाली है। यहाँ पर जो है आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर का साइन है और यहाँ पर जो है फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ट्रिप वगैरह वहाँ से सेट कर सकते हैं। और इधर की हम बात करें तो ये आपको AC वेंट देखने को मिलता है। टियागो के जो AC वेंट्स होते हैं फ्रंट के जो डिज़ाइन में जो काफ़ी अच्छे होते हैं, AC वेंट्स के जो है आसपास जो है आपको यहाँ पे क्रोम सराउंडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी जो है क्रोम में आपको एक लाइन देखने को मिल जाती है। और AC वेंट्स की हम बात करें तो सेंटर के जो AC वेंट्स हैं उस पर भी हमें क्रोम की जो सराउंडिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है पार्किंग लाइट्स जो है कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाती हैं। और सेम गोज़ फॉर द AC वेंट देयर। इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये आपको हारमन का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 2D म्यूज़िक सिस्टम है। और यहाँ से टच कैपेसिटिव बटन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और होम पे जा सकते हैं ओबियसली। तो इस तरह से आप जो है सेटअप वगैरह कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से चला सकते हैं फ़ोन सोर्स, तो डायरेक्टली भी जो है आप अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट करने के लिए ये जो यहाँ कैपेसिटिव बटन दिया हुआ है तो यहाँ से जो है आप ब्लूटूथ का सेटअप कर सकते हैं। इसमें सही है इस गाड़ी के हिसाब से, काफ़ी रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा है, रिस्पॉन्स जो है लेगी नहीं है इसका, काफ़ी सही चल रहा है। तो मुझे तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चार स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं आपको, ये हारमन का आपको देखने को मिलता है। और उसके सराउंडिंग में जो है एक पियानो ब्लैक की फिनिश है जो कि लुकिंग में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके नीचे अगर हम आएँ तो बात करते हैं AC के बारे में। इसमें आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाता है और जो एयर का फ्लो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और किस साइड आपको चाहिए, अप डाउन फ्रंट आप कहाँ पर चाहिए, फ्रंट में इसको डिफोगर दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हैं यहाँ से। और ऑब्वियसली ठंडा और गर्म का जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप एयर इंटेक का देख सकते हैं, अंदर से गाड़ी AC को हवा लेनी है या बाहर से लेनी है, AC यहाँ से ऑन होता है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है एक USB पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। ऑक्स के लिए जगह नहीं है, पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर बट ऑक्स के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ जगह है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान जो है आपका मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह रख सकते हैं छोटा मोटा। और ये रहा आपका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, ये गियर स्टिक है। तो लीवर जो है कुछ इस तरह का है और कुछ इस तरह का आपको 1, 2, 3, 4, 5 और रिवर्स आपको मिल जाता है। ये जो है ब्लैक में दिया हुआ है, पियानो ब्लैक में। किसी भी तरह की क्रोम सराउंडिंग इस पर नहीं मिलती हमें, और नीचे जो है लेदर में दिया हुआ है। और इसके आसपास जो सराउंडिंग है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। और उसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको जो है 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। जो आपका हैंड ब्रेक है वो आपको जो टिप है वो आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है। अगर हम इसको लगा देते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक साइन आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ इसके इंडिकेटर आ जाएगा कि लगा हुआ है। जब भी आप ड्राइव करें तो एक बार MID को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इसके पीछे जो है हमें एक कप होल्डर देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ कॉइन्स आप रख सकते हैं। इसकी फ्रंट सीट भी जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी बेहतरीन है। आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं फ्रंट साइड के, फैब्रिक में आपको सीट मिल जाती है फ्रंट की भी। तो इंटीरियर में जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ से जो है लॉक अनलॉक हो जाते हैं सारे दरवाजे जो है। यहाँ से अगर मैं लॉक करूँगा तो सारे दरवाजे आपको यहाँ से लॉक हो जाएंगे। तो वो जो टिगोर में यहाँ एक छोटा सा बटन दिया वो काफ़ी अनकन्वीनियंट्स भी है, उससे काफ़ी अनकन्वीनियंट फील होता है। तो ये जो है ज़्यादा बेटर रहता है,
ये प्रीमियम ग्लोसी ब्लैक में आपको नहीं मिलता है, ये आपको नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। ट्विटर की आपको जो है प्लेसमेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में जो है चार स्पीकर का आपको सेटअप मिलता है। किसी भी तरह के ट्विटर्स आपको इस वेरियंट में नहीं मिलते हैं, ट्विटर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर हम मिरर की बात करें तो आपको जो है मैनुअल IRVM देखने को मिलता है। अगर यहाँ की हम बात करें तो आपको यहाँ टोल रिसिप्ट होल्डर देखने को मिल जाता है, और सनसेट जो है हम इसको यहाँ ला के बात करें इतनी जगह इसमें जो है यहाँ पे छूट जाती है। की तरफ की बात करें हम सनसेट की, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, और सेम गोस फॉर इधर भी, यहाँ पे इतनी जगह आपको छूट जाती है, यहाँ से आपको धूप आती रहेगी। और यहाँ पर भी आपको जो हैंड ग्रेब हैंडल जो है आपको देखने को मिल जाता है, ड्राइवर साइड तो नहीं होता है ऑब्वियसली, और ये आपको यहाँ माइक दिया हुआ है बात बात करने के लिए। और स्टीयरिंग व्हील की हम बात कर लें, इस इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में जो है टाटा का लोगो दिया हुआ है, और हॉर्न को जो है आपको यहाँ से नहीं, आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं, और वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कंट्रोल, कॉल रिजेक्ट को वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप जो है स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिकली आपको एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलता है ऑब्वियसली, इस सेगमेंट में जब टॉप मॉडल ले लोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस साइड के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडिकेटर और हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें नीचे के बारे में, तो आपको जो है ABC पेडल देखने को मिलता है, ABC, और आपको जो है एक डेड पेडल भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक ठाक स्पेस है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, सही स्पेस है। और यहाँ से जो है आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ जगह दी हुई है जहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। तो ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लव बॉक्स जो है यहाँ से ओपन होता है, यहाँ एक स्विच दिया हुआ, और काफ़ी सॉफ्टली ओपन होता है, एकदम से खटाक करके नहीं गिरता है, तो वो अच्छा लगता है मुझे इस तरह ओपन होता है तो। और यहाँ पर जो है आप टैबलेट रख सकते हो, कुछ सामान रख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह रख सकते हो। और ये जो है कूल्ड नहीं है, इसमें आपको एग्जिट प्लस लेते हैं तो आपको कूल्ड मिल जाएगा, इस वेरिएंट में आपको जो है कूल्ड नहीं मिलता है ग्लव बॉक्स। और यहाँ आप जो है कुछ इस तरह का आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, इसमें अभी सर्विस बुक वगैरह रखी हुई है। कुछ इस तरह के इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के, ग्रे कलर के इंटीरियर हैं, ग्रे कलर की आपको रूफ़ मिल जाती है, कुछ ग्रे ब्लैक कलर में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो फ्रंट का जो ये पार्ट है वो भी आपको ब्लैक में दिया हुआ है, नीचे का जो पार्ट है वो ग्रे में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रंट सीट के स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारा आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है, लगभग इतना हेडरूम आपको देखने को मिल जाता है इतना। तो अंडर थाई सपोर्ट भी जो है काफ़ी सही है यहाँ पर, और पीछे नीचे जगह भी काफ़ी सही है मेरे पैरों के लिए, ये पैर जो है यहाँ टच नहीं हो रहा है, इसमें आपको दो या तीन उंगली का जो है मैंने गैप रखा हुआ है, तो काफ़ी सही स्पेस है। ड्राइविंग पोजीशन वगैरह जो है काफ़ी अच्छी दी हुई है इसमें, मुझे कंफर्टेबल लग रही हैं सीट्स जो हैं, इतनी अनकंफर्टेबल टाइप नहीं है। छोटी गाड़ी में हम सोचते हैं कि अनकंफर्टेबल फील होगा, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है, कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ, जैसे जैसे हम सेगमेंट में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सीट्स जो हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगती हैं, और ये गाड़ी आपको चिपक के भी चलने वाली है अगर हम हाईवेज वगैरह की बात करें तो। ऑब्वियसली ग्लोबल इनके अपने इससे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी दी है, तो ऑब्वियसली ये वन ऑफ द सेफेस्ट कार है अपने सेगमेंट की, और एक ही एकमात्र गाड़ी है जिसने 4-स्टार जो है रेटिंग हासिल की है ग्लोबल एनकैप से, और 3-स्टार में आपको इग्निस देखने को मिल जाती है बस, और बाकी सब तो 2-2-स्टार गाड़ियाँ हैं। तो सेफ्टी का अगर किसी का कंसर्न है तो ऑब्वियसली टियागो जो है सबसे बेहतरीन कार बन जाती है। टाटा टियागो का जो XT मॉडल है वो जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है ज़रूरत के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी है, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल भी है आपके स्टीयरिंग पर, पावर विंडो चारों मिल जाती हैं, स्टाइल भी अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छी है, कम्फर्ट भी अच्छा है, तो इस तरह से जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। इसका जो एक शोरूम प्राइस है आज के डेट में, आज 6 जुलाई है, तो आज के डेट में इसका प्राइस है 5,62,900 कुछ रुपए का इसका प्राइस है। जिस दिन आप ले रहे हैं तो उस एक बार जो है प्राइस कंफर्म कर लीजिए। अगर किसी का बजट जो है 6 लाख के आसपास का है ना, तो टियागो का जो XT वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा आपका वेरिएंट बन जाता है अगर आपको छोटी गाड़ी लेनी है तो। तो इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 1193 cc का आपको जो है इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, और 86 PS की पावर जो है यह हमें निकाल के देता है। 113 न्यूटन मीटर का आपको जो है टॉर्क भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के इंजन भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है।
सभी वेरिएंट्स में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, इसमें भी और टिगोर में भी। तो इस सेगमेंट के हिसाब से भी, इंजन कैपेसिटी पावर के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा इंजन है, ऐसी कोई बुराई नहीं है। हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है और हल्के फुल्के साउंड जो है आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो है थोड़े बहुत इंसुलेशन वगैरह दी हुई है, आवाज़ को जो है अंदर तक इतनी नहीं आती है, बट किसी को लगता है ऑब्वियसली हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत साउंड क्रिएट होता है 3 सिलेंडर इंजन से। तो कैसा लग रहा है आपको इसका लुक, और XT वेरिएंट के बारे में आपको सबसे अच्छी क्या बात लगती है, और टाटा के बारे में आपको सबसे अच्छी क्या बात लगती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यार लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए तरह के नई नई कार्स के डिफरेंट वेरियंट्स के जो है आपको वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑब्वियसली। तो मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, एंड राइड हार्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।